बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में सिपाही के तौर पे जो है वो भर्ती होना चाहते हैं, उनकी जॉब्स आ गई हुई हैं और अब वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो अप्लाई करने का तरीका है, आपने सिलेक्शन सेंटर, आपका जो आपका टेस्ट सेंटर है या सिलेक्शन सेंटर है वो सिलेक्ट करना है। सबसे करीब अगर किसी को पड़ता है तो वो उसी के नज़दीक को सिलेक्ट करेगा। मेरे नज़दीक लाहौर है तो मैंने लाहौर को सेलेक्ट कर लेना है। गुजरांवाला का अगर होता तो मैं उधर ज़्यादा प्रेफर करता, क्योंकि गुजरांवाला का नहीं है ना, तो लाहौर वाले सेंटर पे मैंने क्लिक कर देना। फिर अगर आपका सेंटर इधर मौजूद नहीं है तो फिर आपने ऑप्शन को यूटिलाइज करना है, लाहौर वाला सेंटर कर लेना है, या जो भी आपके इंटरनेट स्किल आप अवेल करना चाहते हैं उसको अवेल कर सकते हैं। फिर आपने आ जाना है, अगर आपके पास वो गुजरांवाला का डोमिसाइल नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास गुजरांवाला का डोमिसाइल है तो वो उधर तो गुजरांवाला की ऑप्शन नहीं थी, तो इधर भी फिर मैं क्या करूँगा कि लाहौर वाला सेंटर ही उसके अल्टरनेट मैंने सोचा हुआ है, तो वही मैं उधर पुट कर दूंगा कि लाहौर का सेंटर मैंने करना है। अगर आप साबका फौजी हैं तो फिर आप यस पे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर नो पे कर दें, अगर हैं तो फिर ये भी आपको फिल करना होगा कौन से डिपार्टमेंट से हैं और आपका रैंक या कौन सा होता था उधर। इधर आपने नेम ऑफ एप्लीकेंट ये फिल करना है, फिर उसके बाद फादर नेम फिर इधर आपने क्लिक कर देना, फिर आपका CNSE इधर लिखना है आपने 34101, इस तरीके से आपने ये लिखना है। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर आपने रिलीजन अपना लिखना है, कौन सा आपका रिलीजन है, इस्लाम से बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियनिटी से है, हिंदू हैं या सिख हैं, कोई भी हैं तो आप इधर पुट कर सकते हैं। फिर आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है, कौन सी आपकी एजुकेशन है, मैट्रिक है, मिडल है, चूंकि मिडल से ये स्टार्ट है, मिडल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, FSC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और ज़्यादा उन्हीं लोगों को प्रेफर किया जाएगा जिनकी क्वालिफिकेशन और हाइट ज़्यादा होगी। फिर आपने इधर हाइट फुट अपने कर लेनी है, चाहे दो मेरी 5'7" है तो मैंने 5'7", उसके बाद ये आपने प्रोविंस से अपना सेलेक्ट कर लेना, कौन से प्रोविंस से आप, कौन से सूबे से बिलोंग करते हैं, सूबा पंजाब से तो आप इधर पंजाब। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है, अगर इधर गुजरांवाला है तो आप गुजरांवाला इधर पुट कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर है वो अगर आपका नहीं है ना तो उधर आपने अल्टरनेट जो आपके करीबी इधर सेंटर है उस पर ही आपने सेंटर भी सिलेक्ट करना है और अपना डोमिसाइल भी सिलेक्ट करना है और आपने रीजन बता देनी है। ये परमानेंट एड्रेस लिखना है आपका, होम एड्रेस, फिर ये टेम्परेरी एड्रेस जो मिसाल के तौर पर अगर पहले गांव में तो अब आप सिटी में मूव कर गए हुए हैं तो आपने इधर फिर सिटी का एड्रेस लिखना है और इधर अपने गांव का एड्रेस लिखना है। परमानेंट अपने वालद का या भाई का इधर कहीं किसी का नंबर लिख लें। फिर अगर अगर कोई स्किल है मिसाल के तौर पर अगर टीचिंग है, ड्राइवर है, वेल्डर है, कोई भी है तो आप अपनी इधर स्किल पुट कर सकते हैं और आप रजिस्टर हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह के महान।